से है जहां केरल में आई भीषण आपदा को देखते हुए पीड़ितों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन 30 जनवरी मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने आपदा राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की तरफ से साहसिक कदम है। वहीं इस मौके पर यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन को धन्यवाद किया। इस दौरान इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और वाइस प्रेसिडेंट एसके तिजारावाला भी मौजूद रहे। भामा शाह के रूप में हमारे तमाम साथियों ने, कई सारी कंपनियों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। करीब 56 लाख रुपए की सामग्री जो अभी रोड, लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी कुछ कट गए हैं। गांव बहुत सारी जगह एकदम तबाह हो चुके हैं। वहां पर लाइट, पंखा, रेडियो, बैटरी चार्जर, मोबाइल का इंटरनेट से जुड़ सके ऐसी व्यवस्था के तहत 500 किट भेजी गई है। अभी आज ये कम से कम 500 से ज्यादा किट्स जो है यहाँ से भेजने की बात हुई है। तो अब मान लीजिए एक एक किट अगर एक डिस्पेंसरी को भी जो है लाभ पहुँचाए तो आप समझिए उस डिस्पेंसरी से कितने सारे लोगों को जो है लाभ मिलना है। तो ऐसी जो पब्लिक हेल्थ या दूसरी जो फैसिलिटीज है पब्लिक के यूटिलिटी के लिए, अगर वो यूटिलिटी की फैसिलिटीज पर अगर व्यवस्था जो है रिस्टोर होती है कम से कम कुछ दिन के लिए, जब तक कि सिस्टम है ना, सिस्टम जो है जैसे जैसे गियर अप होके ठीक होता है, तो उस सारे ट्रांजिशनल पीरियड में ये बहुत बड़ी योगदान करेगा। कौशाम्बी से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शपथ कार्यक्रम मंचनपुर।